लेट्स डिस्कस द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो इसमें फर्स्ट एक्यूट ब्रोंकोलाइटिस है, तो कॉमन सीजनल इन्फेक्शन होता है ये, जो अकर होता है विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, दैट इज़ RSV। एंड एज ग्रुप जो जिसमें होता है ये लेस देन 2 ईयर्स में मोस्टली होता है एंड 1 to 6 months ऑफ एज में होता है। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, इनिशियली ये स्टार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरह, एंड 1 वीक के बाद, 1 वीक के बाद ये प्रोग्रेस हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे, तो ब्रोंकियोज तक ये पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक तो फीवर आता है, दूसरा ब्रीथिंग डिफिकल्टी आती है, तीसरा बायलेटरल वीज आता है क्योंकि एयर पासेज होता है नैरोड और इन्फ्लेम ब्रोंकियोज के थ्रू। देन इसकी एक्सरे फाइंडिंग्स क्या होती है, बायलेटरल हाइपर इन्फ्लेशन दिखता है लंग फील्ड्स में। देन ब्रोंकियोल्स इन्फ्लेम दिखते हैं क्योंकि नैरोड हो जाते हैं वो, एंड एस्पायरेशन के टाइम पे कुछ एयर हो सकता है पास हो जाए ब्रोंकियोल्स से, लेकिन क्योंकि फुली ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है एस्पायरेशन के टाइम पे, इसलिए पास हो जाती है। बट एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होता है कि एयर कॉलम्स जो होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से एयर ट्रैपिंग हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर अफेक्टेड ब्रोंकियोल्स के। देन पेरिहिलार फुलनेस मिलता है, दैट इज, या फिर पेरिहिलार कफिंग मिलती है, तो ये ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन के कारण मिलती है हिलार रीजन्स में, तो उसमें वाइट मार्किंग्स दिखती हैं। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती है, ये हाइपर इन्फ्लेमेशन के कारण ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलती है। एक तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज रहता है एंड हाइपर रेजोनेंस मिलता है परकशन पे। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स और एक्सरे इनफ होती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। अदर इन्वेस्टिगेशंस क्या किए जाते हैं, PCR टेस्टिंग की जाती है नेजोफेरेंजियल स्वैब की या एस्पिरेट की, तो क्लिनिकली नहीं की जाती है ये। देन नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ये एक तो सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है यूजुअली। सपोर्टिव मैनेजमेंट इसका करते हैं, तो मॉइस्ट ऑक्सीजन इनहेलेशन देते हैं SpO2 को मेंटेन करने के लिए ग्रेटर देन 92% रूम एयर पे। देन एंटीवायरस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एटरिस्क चिल्ड्रन में, मतलब एटरिस्क वाले कौन कौन से हुए, क्रोनिक लंग डिसीजेस है जिसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं या फिर इम्यूनो डेफिशेंट चिल्ड्रन है। तो देन एंटीवायरस जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है राइबोवायरिन, जो कि इन्हेलेशन फॉर्म में दिया जाता है। ये ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी को डिक्रीज करता है इलनेस की। देन सीजन के स्टार्ट होने से पहले हम प्रोफाइलेक्टिक पैलिविजुमैब देते हैं एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जाती है अगेंस्ट F प्रोटीन ऑफ रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस। देन ब्रोंकोलाइटिस सबसाइड हो जाता है विद इन 3 to 7 days एंड 25% ऑफ पेशेंट्स ब्रोंकोलाइटिस के जो होते हैं वो अस्थमा डेवलप कर लेते हैं। देन नेक्स्ट निमोनिया के बारे में देखते हैं, तो under 5 मोर्टेलिटी का ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये एक पैथोलॉजिकल कंसोलिडेशन होता है एल्वेलाई का या फिर इन्फ्लेमेशन होता है इंटरस्टिशियल टिश्यू का, एल्वेलाई के अराउंड जो इंटरस्टिशियल टिश्यू रहता है, या फिर दोनों ही चीज़ें होती हैं। देन इटियोलॉजी क्या होता है, बैक्टीरियल इटियोलॉजी मोस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू वायरल, एंड ओवरऑल मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो होता है जो उसको अफेक्ट करता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। एंड मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है नियोनेट्स में वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज क्लेब्सिला ईकोलाई ये सब, एंड स्टाफिलोकोकस हो सकता है। देन मोस्ट कॉमन वायरस जो इन्वॉल्व होता है इसमें वो रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस होता है RSV, एंड जो HIV चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो वायरस इन्वॉल्व होता है वो न्यूमोसिस्टाइटिस जिरोवेसी, दैट इज कैरेनी होता है। एंड एडोलेसेंस या फिर ओल्डर चिल्ड्रन में, दैट इज ग्रेटर देन 5 ईयर्स में, एटिपिकल जो एज ग्रुप होता है उसमें माइकोप्लाज्मा निमोनी इन्वॉल्व रहता है, दैट इज एटिपिकल वायरस। एंड निमोनिया जो है वो इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है under 5 मोर्टैलिटी के कारण। एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट गाइडलाइंस इसकी क्या है, तो फर्स्ट तो अगर कोई निमोनिया नहीं है तो उसका कलर कोड ग्रीन होगा, देन उसके फीचर्स होते हैं फीवर होगा, साथ में कोल्ड होगा, साथ में कफ होगा। एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, होम मैनेजमेंट इसका करते हैं, ओरल पैरासिटामोल देते हैं और अगर वीज प्रेजेंट है तो फिर सैल्बुटामोल भी देंगे 5 दिन के लिए। देन अगर निमोनिया का कलर कोड येलो है तो कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी में क्या फीचर्स मिलते हैं, तो फीवर मिलता है, साथ में कफ मिलता है, साथ में कोल्ड मिलेगा एंड फास्ट ब्रीथिंग भी होती है, एंड उसके साथ एंड और है, मतलब या फिर फास्ट ब्रीथिंग होगी या तो फिर चेस्ट एंड्रॉइंग होगा या तो दोनों होगा, फास्ट ब्रीथिंग एंड चेस्ट एंड्रॉइंग।
देन SpO2 नॉर्मल है, नॉर्मल होता है, इसमें कोई हाइपोक्सिया नहीं होता है। एंड इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, होम मैनेजमेंट करते हैं और उसके साथ में ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं एमोक्सिसिलिन 5 दिन के लिए, एंड फॉलो अप भी करते हैं 5 दिन के बाद और साथ में डेंजर साइंस के बारे में देखते हैं। देन अगर सीवियर निमोनिया है या फिर वेरी सीवियर डिसीज़ है तो उसका कलर कोड पिंक होगा। एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी एक फीचर इसमें से प्रेजेंट रहता है जो नीचे दिया है, तो फर्स्ट हाइपोक्सिया या तो प्रेजेंट रहेगा जिसमें SpO2 जो है लेस देन 90% रहेगा रूम एयर पे, देन सेकेंड स्ट्राइडर रहेगा चाइल्ड काम चाइल्ड पे, या फिर कोई डेंजर साइंस प्रेजेंट रहेंगे तो या तो चाइल्ड फीड नहीं कर रहा होगा, ड्रिंक नहीं कर रहा होगा, या लेथार्जिक होगा, डल दिख रहा होगा, या फिर साइनोसिस होगा, ऑल ओवर द बॉडी साइनोसिस होगा, नीला पड़ गया होगा, एंड कन्वल्शंस होंगे या फिर। तो अगर ये सारी चीज़ें आती है तो फिर हम फर्स्ट डोज देते हैं एंटीबायोटिक का, दैट इज़ एम्पीसिलिन एंड जेंटामाइसिन, एंड इमीडिएटली रिफ़र करते हैं चाइल्ड को हॉस्पिटल पे। एंड इसका क्राइटेरिया क्या होता है फास्ट ब्रीथिंग का, तो अगर 0 to 2 months का बच्चा है तो उसमें ग्रेटर देन 60 पर मिनट होना चाहिए, 2 to 12 months का बच्चा है तो ग्रेटर देन 50 पर मिनट होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन 12 months का है तो ग्रेटर देन 40 पर मिनट होना चाहिए। सो ये सारे इसके क्राइटेरियाज हैं। सो ये था निमोनिया के बारे में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।